अमरवती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु दोष। बात करते हैं बिंदु दोष क्या होता है। तो ठोस के कणों के नियमित क्रम में, जो ठोस के कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, इनके नियमित क्रम में आने वाली रुकावट को, नियमित क्रम में जो आने वाली रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष। जैसे ठोस के कण हैं, एक नियमित क्रम में हैं, तो इनके बीच में कोई रुकावट आ जाए तो इस रुकावट को ही हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष के प्रकार, तो बिंदु दोष जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है रस समीकरणीय दोष। कौन सा? रस समीकरणीय या समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है? तो ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या होती है समान होती है, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे दोष जिसमें धनायन यानी धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। कहने का मतलब है कि इस दोष में जितने हमारे पास धनायन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? ऋणायन होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये हमने कुछ ठोस बना दिए हैं अवयवी कण, इसमें मान लिया जाए कि ये हमारा धनात्मक अवयवी कण है, तो ये बगल वाला ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक, अल्टरनेट क्रम में होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर ये धनात्मक है तो इसके सामने वाला ऋणात्मक, और इसके सामने वाला धनात्मक, और फिर ये ऋणात्मक। यानी कि अगर एक प्लस है तो उसके दोनों ओर चारों ओर जितने भी होंगे सब ऋणात्मक होंगे। किसी भी ऋणात्मक के चारों ओर जो होंगे धनात्मक होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धनात्मक के बगल में धनात्मक आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो अगर धनात्मक की संख्या बराबर हो ऋणात्मक की संख्या में तो उसे बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। गिनते हैं इसमें, 1 2 3, धनायन कितने हैं इसमें? 3 हैं। और ऋणायन कितने हैं? 1 2 3, ऋणायन भी इसमें 3 हैं। यानी इस प्रकार के जो दोष होते हैं इनको बोला जाता है रस समीकरण मितीय दोष। सेकंड है हमारा अरस समीकरण मितीय दोष। कौन सा? अरस समीकरण मितीय दोष। इसमें क्या होता है? जस्ट टू रस समीकरण मिति दोष का उल्टा, ऐसा दोष जो धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। यानी धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर ना हो तब जो जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। चित्र के जरिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ये कुछ अवयवी कण हैं इनको व्यवस्थित किया गया है। इसमें हम लोग एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, फिर धनायन ऋणायन, इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। और फिर हम लोग इसमें गिनते हैं कि कितने धनायन हैं और कितने ऋणायन हैं। धनायन कितने हैं इसमें? तो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं। और ऋणायन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ऋणायन कितने हैं इसमें? 4 हैं। यानी धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर नहीं है। धनायन की संख्या जो है ऋणायन की संख्या के बराबर ना हो तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। कौन सा? आरस समीकरण मितीय दोष। नेक्स्ट देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। जो रस समीकरण मितीय दोष होता है पहला वाला, इसके कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया शॉटकी दोष। कौन सा दोष? शॉटकी दोष। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में लुप्त हो जाते हैं। कोई ऐसा दोष हम लोग देखेंगे ठोस में जिसमें धनायन और ऋणायन जो है बराबर मात्रा में लुप्त हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? शॉटकी दोष। फिगर के जरिए समझते हैं। जैसे ये हम लोग बना लेते हैं पहले। ये हमने अवयवी कणों को व्यवस्थित कर लिया। फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो हमारा शॉर्टकी दोष है ये कहता है कि धनायन और ऋणायन जो है बराबर मात्रा में लुप्त हो जाए। जैसे इस धनात्मक के बाद क्या आना चाहिए था? ऋणात्मक, ये लुप्त हो जाए। और फिर ये धनात्मक हमने बना दिया, फिर ये ऋणात्मक,
और फिर यहाँ धनात्मक आना चाहिए था, यानी हमने एक यहाँ का ऋणात्मक और एक यहाँ का धनात्मक लुप्त कर दिया है बराबर मात्रा में। अगर एक धनात्मक लुप्त हुआ है तो एक ऋणात्मक भी लुप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो दोष होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष। कौन सा? शॉर्टकी दोष। जरूरी नहीं है कि हमने ऋणायन यहाँ से हटाया है तो आप भी यहीं से समझे, कहीं कभी एक ऋणायन हटा दिया जाए और एक धनायन हटा दिया जाए तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष। उदाहरण जैसे होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। हमारा रिक्तिका दोष क्या होता है? तो यदि क्रिस्टल जालक के अवयवी कण जो होते हैं अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, कोई क्रिस्टल जालक है उसके अवयवी कण अपने नियमित स्थान से क्या हो बाहर निकल जाते हैं, तो जो उत्पन्न दोष होता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई पंक्ति है और इसमें कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा है, और इसमें से एक व्यक्ति उठ करके बाहर निकल जाए तो ये पंक्ति कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान आ जाता है इस प्रकार के दोष को बोलते हैं रिक्तिका दोष। इनके उदाहरण क्या पर हैं? NaCl है, KCl है, CsCl है और AgBr है। फिगर के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई अवयवी कण हैं और व्यवस्थित हैं, तो इनमें चौथे स्थान पर आने वाला खाली हो जाए और ये फिर पाँच आ गया, फिर छठवा आ गया, फिर सातवां खाली हो जाए, फिर आठवां हो जाए, यानी कि रिक्त स्थान जो बीच में आ जाए, तो इनके नियमित क्रम में व्यवस्थित करने पर जो रिक्त स्थान आ जाए तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हम लोगों का फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष, तो ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन जो होता है अंतराकाशीय स्थान में ग्रहण कर लेता है, कोई धनायन जो होता है वो अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष बोलते हैं। उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि जैसे ये कोई अवयवी कण हैं और नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इनमें क्या होता है? एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, फिर ऋणायन और फिर धनायन और फिर ऋणायन, और यहाँ पर किसकी बारी आएगी? धनायन की। तो कह रहा जो ये धनायन होता है अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर ले, यानी मान लिया हमने कि ये वाला धनायन, यहाँ पर धनायन का नंबर आना था लेकिन ये वाला धनायन यहाँ ना हो करके अंतराकाशीय का मतलब है इनके अंदर कहीं अपना स्थान बना ले, जैसे यहाँ बना ले, तो इस प्रकार जो दोष होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। जहाँ धनायन करना चाहिए था फिर यहाँ ऋणायन, फिर यहाँ धनायन, फिर यहाँ ऋणायन, फिर यहाँ धनायन, बाकी आगे सारा उसी प्रकार होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्रेंकल दोष ऐसा दोष होता है जिसमें कोई धनायन जो होता है, कोई धनायन जो होता है अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर ले। जरूरी नहीं कि यही वाला धनायन, कोई भी धनायन हो सकता है जो अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। इसे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाना विस्थापन कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है और AgI सिल्वर आयोडाइड है, ये हमारे सारे कहलाते हैं फ्रेंकल दोष के उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है अंतरकाशी दोष। कौन सा? अंतराकाशीय दोष। ये क्या होता है? तो अगर आप लोगों को फ्रेंकल दोष समझ में आ गया है तो अंतराकाशीय दोष समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अंतराकाशीय दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थानों से उठ करके अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। फ्रेंकल दोष में सिर्फ कुछ कण की जगह पर धनायन की बात कहा गया था, लेकिन इसमें धनायन और ऋणायन दोनों अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ ऋणायन का नंबर आने वाला था, तो हो सकता है ऋणायन यहाँ ना आए और ये वाला ऋणायन अंदर कहीं स्थान अपना बना ले, तो इसे बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। या हो सकता है ऋणायन यहाँ पर रहे, ये धनायन यहाँ ना करके अंदर अपना स्थान बना ले, तो इसे बोलते हैं अंतराकाशीय दोष बोलते हैं। तो ये हमारे थे रस समीकरण मिति के प्रकार। तो हम लोग रिवाइव करते हैं कि रस समीकरण मिति के कौन कौन से प्रकार थे। पहला था शॉर्टकी दोष और दूसरा कौन सा था? रिक्तिका। दूसरा हम लोगों का था रिक्तिका दोष और तीसरा था हम लोगों का फ्रेंकल दोष। कौन सा?
फ्रेंकल दोष, और चौथा है हम लोगों का अंतराकाशी दोष। कौन सा? अंतराकाशी दोष। ये हमारे रस समीकरण मिति दोष के चार प्रकार थे, रस समीकरण मिति दोष के। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा आरस समीकरण मिति दोष है वो उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आरस समीकरण मिति दोष जो होते हैं इसके प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें धातु आधिक की दोष। कौन सा? धातु आधिक की दोष। आधिक का मतलब अधिक मात्रा में धातु होता का गुण पाना। तो पहला है धातु आधिक के दोष, ये क्या होता है? तो ऋणायन रिक्तियों के कारण। किसके कारण? ऋणायन रिक्तियों के कारण। ऋणायन रिक्ति का मतलब है ऋणायन का स्थान खाली हो जाना। तो ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु आधिक दोष बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो जैसे हमारा NaCl होता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में विभाजित हो जाता है। तो इसमें जो Cl माइनस का ऋणायन है ये अपना स्थान खाली करके Na प्लस के साथ मिल जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? धातु आधिक दोष। उदाहरण इसका हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर असमीकरण मिति दोष का। दूसरा है हम लोगों का धातु न्यूनता दोष। पहला था धातु आधिक के दोष, अब की है धातु न्यूनता दोष। ये क्या होता है? यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों। कौन कौन से? परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले धातुओं के यौगिकों जैसे FeO, FeS और NiO द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में है इसलिए बताया जा रहा है। यह दोष जो है जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले धातुएं होती हैं उनमें पाया जाता है। तो सिर्फ इतना हमें देखना है कि जो परिवर्ती संयोजकता वाली धातुएं होती हैं उनमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है, जैसे FeO फेरस ऑक्साइड, FeS फेरस सल्फाइड, NiO नियान ऑक्साइड। नेक्स्ट है हम लोगों का तीसरा अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है? तो यह दोष भिन्न प्रकार के आयन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर कई अलग अलग प्रकार के आयन उपस्थित हो जाएं तो वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होगा उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। उदाहरण से क्लियर होगा, जैसे NaCl में SrCl2 मिला दिया जाए, NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर क्या होता है कि जो हमारा SrCl2 है ये टूट जाता है Sr++ और TuCl माइनस में। तो जो Sr++ आयन है ये Na+ का स्थान ले लेता है। तो क्योंकि ये धनात्मक है तो धनायन का कार्य कर सकता है, इसलिए NaCl में जो हमारा Na+ बनता है और Cl माइनस बनता है तो इसमें Sr++ जो है Na+ का स्थान ले लेता है। अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या, तो Sr+ जो है Na+ का स्थान ले लेगा तो Sr की जगह रिक्ति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? स्थान खाली हो जाएगा। तो जो SrCl2 की मात्रा के बराबर होगा, यानी जो रिक्तियां होंगी SrCl2 की मात्रा के क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि Sr ही तो खाली होगा, वो Na+ की जगह पर जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग अशुद्धि दोष। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं। जो ठोस होते हैं इनके अंदर विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों होते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, विद्युत के क्या गुण होते हैं इसमें। तो ठोसों में मुख्यतः तीन प्रकार के विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, इन्हें आप लोग जानते भी होंगे। पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। तो इसे आप लोग पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, चालक अचालक और अर्धचालक। लेकिन हम ठोसों के विद्युतीकरण गुण में चालक अचालक अर्धचालक की परिभाषा उस तरह से नहीं देंगे। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोग इनकी परिभाषा देंगे। और चालक अचालक अर्धचालक को किस सिद्धांत के आधार पर बांटा गया है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग पहले ऊर्जा बैंड सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद चालक अचालक और अर्धचालक की परिभाषा देखेंगे। तो हम लोगों का टॉपिक है अब बैंड सिद्धांत, यानी ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी सबसे नीचे वाले का निम्न ऊर्जा स्तर, इसके ऊपर वाला जो होगा इससे थोड़ा ऊंचा स्तर होगा, और इससे ऊंचे वाला इससे थोड़ा ऊंचा स्तर होगा, यानी सबसे ऊपर वाला जो होगा उसे कहेंगे उच्चतम ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो कई सारे ऊर्जा स्तरों का समूह जो है ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो ऊर्जा बैंड के बैंड सिद्धांत था एक, उसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। बैंड का मतलब बैंड बाजा से नहीं है यहाँ पर।
तो प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। जितने भी पृथ्वी पर तत्व होते हैं उसमें दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। पहला है हमारा संयोजी बैंड। कौन सा? संयोजी बैंड। पहला है हमारा संयोजी बैंड और दूसरा है हमारा चालन बैंड। कौन सा? चालन बैंड। तो जितने भी तत्व होते हैं दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि ये हमारा कोई है, तो ये हमारा हो जाएगा चालन बैंड और ये हमारा अगर हो जाए संयोजी बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो बीच के जो बैंड होते हैं, बैंड की जो दूरी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल बोलते हैं हम लोग। चालन बैंड क्या होता है? बात की ना अभी हमने चालन बैंड और संयोजी बैंड। बात करते हैं चालन बैंड क्या होता है। तो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड को चालन बैंड कहते हैं। इसीलिए देखिए हमने चालन बैंड यहाँ नीचे बनाया था। यानी सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड। और संयोजी बैंड क्या होता है? सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड को बोलते हैं संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। इसीलिए हमने संयोजी बैंड को ऊपर बनाया था। ऊपर का मतलब है उच्चतम ऊर्जा स्तर। फिगर के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमने चालन बैंड दर्शाया है और ये संयोजी बैंड दर्शाया है। चालन बैंड को बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड को बोलते हैं उच्चतम ऊर्जा स्तर। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी जो होती है, इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो आगे का जो चालन और अचालक और अर्धचालक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।